हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीपी करप्शन ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई हैं। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खासकर ओवर बिलिंग के ऊपर है कि आपने आजकल बहुत सुना होगा कि कहीं पे किसी को 20,000 का बिल आया, 30,000 का बिल आया, 40,000 का आया, 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का बिल आया। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से एमपीपी आपको एकदम से एक ही महीने के अंदर, जहाँ आपका बिल नॉर्मली 1,000, 1,500, 2,000 का आता था, एकदम से 30, 40,000, 50,000 का बिल भेज देती है। इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेरा खुद का ही बिल दिखाऊंगा जो कि 59,056 रुपये का है। इसके अंदर इन्होंने मुझे एक ही महीने के अंदर 6,022 यूनिट का बिल भेजा है। इसी तरह और बहुत सारे बिल हैं, मैं आपको एक एक करके सारे बिल बताता हूँ। इसके बाद में एक जो बिल है मुझे, ये मिस्टर रामकिशन साहू के नाम से है, ये आया है 41,164 रुपये का। अगर आपको इसमें बराबर दिखेगा नहीं तो मैं आपको इसमें वीडियो में एडिट करके अलग से दिखाऊंगा। ये बिल है 41,164 रुपये का, ये भी ऐसे ही बना हुआ है। इसमें भी एक ही महीने के अंदर 4,110 रुपये की रीडिंग दिखाई गई है। इसके बाद में एक और बिल देखते हैं, ये है मिस्टर घनश्याम कुमार नागर के नाम से। इस बिल का अमाउंट है 33,003 रुपये का, 33,003 रुपये का ये बिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिल हैं मेरे पास, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर मैं इतने सारे बिल नहीं दिखा सकता। क्योंकि तीनों बिजली के बिल जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इन सभी की जो अमाउंट है, एक जो है 59,056 का, और एक 41,164 का, और एक 33,003 रुपये का, इन सभी बिलों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि इसमें किसी ना किसी महीने के अंदर इकट्ठी रीडिंग आई है। यही एमपीपी का सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, जहां से वो कंज्यूमर को एकदम से बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट का बिल देते हैं। आप इनकी गलती खुद पकड़ सकते हैं कि किस तरह से ये गलती करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप एमपीपी की रीडिंग में हो रही गड़बड़ी को पकड़ सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरा बिल है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एक ही महीने के अंदर 6,022 यूनिट का दिया। आप अपना जो बिजली का बिल है उसमें देखेंगे तो जो आपकी रीडिंग आती है, जिस महीने का बिल आपको आया, उसके अलावा पहले के आपके 5 से 6 महीनों की इसके अंदर एंट्री होती है, उससे आप देख करके पहचान सकते हैं कि आपने चालू महीने और उससे पहले की रीडिंग इसमें किस तरह से दी गई है। आप उससे तुरंत पहचान पकड़ सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पर इन लोगों से गलती हो रही है। अब जैसे मेरे बिल में आप देखेंगे कि जिस महीने का बिल आया उसमें 6,022 यूनिट का आया है, इससे पहले 1,000 यूनिट का बिल आया, जो कि वो भी पॉसिबल नहीं। उसके बाद किसी महीने इन्होंने 104, 106, 75, 117, 114 यूनिट तक के इन्होंने बिल दिए हैं, जो कि आप ये सीधा सीधा इनके खुद विरुद्ध इनके सबूत है, इनके खुद के बिल में, कि इन्होंने पूरे टाइम मक्कारी मारी है, रीडिंग सही तरीके से नहीं ली। अब इसके बाद में ये दूसरा बिल आप देखेंगे, ये जो बिल है मिस्टर रामकिशन साहू के नाम से, इनको भी जो जिस महीने ये बिल आया उस महीने इन्होंने 92 यूनिट, 92 यूनिट की खपत बताई है। उसके पहले आप देखें तो 166, इसके 166, उसके बाद में 652, उसके बाद में फिर 93, उसके बाद सीधे जिस महीने का बिल बढ़ करके आया है, जो 7वें महीने का, मतलब जुलाई महीने का, 4,110। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये जो बिल है ये हमारे ही घर के पास का बिल है, और सेम इसमें जो जुलाई महीने में रीडिंग ज़्यादा आई है, हमारे बिल में भी जुलाई महीने में ही बिल जो रीडिंग ज़्यादा है, ओवर बिलिंग जो जिसको बोलते हैं। मैं आपको एक बार इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इंदौर एमपीपी गुमास्ता नगर जोन में किस तरह से गड़बड़ी हुई, उसका एक सबूत मैं खुद आपको बताता हूँ। उसमें ये जो मेरा बिल है, इसमें जो मुझे एकदम से जो ज़्यादा रीडिंग आई है, जिसमें कि लास्ट मंथ मई में दिखाई है 1,000 यूनिट, उसके बाद जो ये बिल है जो जुलाई महीने का, इसमें 6,022 यूनिट। इसके पहले का जो आप बिल देखेंगे, ये भी गुमास्ता नगर जोन का ही लगता है, इस बिल में भी 7वें महीने के अंदर 4,110 रुपये, लगभग एक महीने का अंतर है। सेम जोन यहाँ पर बस आप देखेंगे तो रीडिंग का जो डिफरेंस सिर्फ एक महीने के अंतराल में आया, मतलब ये जो सारे घोटाले, जो इनके जितनी भी गड़बड़ियाँ जो हुई हैं, ये चल तो बहुत पहले से रही हैं, लेकिन इनका खुलासा जो हुआ, लगभग इन्होंने जो रीडिंग जो मीटर जो पहले पोल पर लगे हुए होते थे, जिनको नीचे जब इन्होंने शिफ्ट किया, तो ये प्रॉब्लम एक साथ सभी लोगों को आई है। अगर हम एमपीपी से बोलेंगे कि आप इसको प्रूफ करके बताएं कि कंज्यूमर ने एक महीने के अंदर इतना बिल कैसे, इतनी बिजली कैसे जलाई, तो ये मैं गारंटी से बोलता हूँ ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे।
ये बस इधर उधर की बातें करेंगे, आपको घर का लोड चेक करना है कि आपके घर पर लोड ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में ये उस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जो ऑन डॉक्यूमेंट जो इनका दिया हुआ बिल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी भी कंडीशन में, आप इनके कितने भी बड़े इंजीनियर कितने भी बड़े अधिकारी को ले आइए, तो किसी भी कंडीशन में इस बात का ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि ये 4110 यूनिट कैसे जली या 6022 यूनिट कैसे जली। ये किसी भी बिल को इनका कोई भी अधिकारी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये इतनी रीडिंग। जैसे जो आप मेरा बिल देखेंगे, इसमें इनके हिसाब से एक ही महीने के अंदर 6022 यूनिट जली है, औसतन आप देखेंगे तो 200 यूनिट पर डे आ रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में ये बिल जो जनरेट हुआ ये पॉसिबल नहीं है। मैं खुद ओपन चैलेंज कर चुका हूँ इतनी बार, किसी भी MPP के ऊर्जा मंत्री तक को मैंने कंप्लेंट किया है कि ऑन डॉक्यूमेंट जो आपका ये बिल मेरे हाथ में है, आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि हमने ये कैसे कंज्यूम किया। आज तक कोई भी अधिकारी MPP का, कोई भी एम्प्लॉय मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाया, वो बिल्कुल, वो कभी दे भी नहीं सकते इस बात का जवाब। आजकल आपने देखा होगा कि मीटर रीडर्स को मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देते हैं जिसके अंदर कि वो मीटर का फोटो लेते हैं, जिसकी रीडिंग की ओरिजिनल फोटो जो है इनके जो MPP का सर्वर है जहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल फोटो जाती है, और उसके बाद में जो है ये रीडिंग आपके बिल में आती है। पर ज़्यादातर आपके जो बिल अभी आ रहे हैं MPP के, जितने भी आपको बिल आ रहे हैं, ये सब जितने भी मीटर रीडर हैं ये अंदाजे से उसके अंदर रीडिंग डालते हैं। तो आप किसी भी महीने को लेकर के अगर आप इनसे प्रूफ मांगेंगे कि जो आपने फ़ोटो खींची है उसका, वो प्रूफ नहीं दे पाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल गारंटी से बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी मीटर की जो वाचन तिथि है उस महीने की अगर आप मांगेंगे, तो बहुत कम चांस है कि ये 12 महीने की आपको दे दे। 12 महीने में से 8 से 10 महीने के अंदर ये आपको प्रूफ ही नहीं दे पाएंगे, ये सब अंदाजे पर लेते हैं। अगर आप इस बिल को भी देखेंगे तो कहीं पर भी एक जैसी यूनिट नहीं आ रही है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर महीने सबकी रीडिंग एक जैसी आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता कि 134 से आप सीधे 4110 पे पहुंच जाए और फिर सीधे 95 पर आ जाए, फिर 650 पर आ जाए, फिर वापस 150 के आसपास आ जाए। ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एम्प्लॉई अपना ठीक तरह से काम नहीं करता है जिसमें मीटर रीडर जो होता है, जो आपकी रीडिंग लेता है, वो तो मेरे हिसाब से लगता है काम ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ सैलरी लेते हैं और अंदाजे के तौर पर आपकी रीडिंग डालते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर के जागरूक रहिए। आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन आपको MPP की गड़बड़ घोटाले या रीडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की खबर ना पढ़ने को मिले। उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लगभग 2 महीने पुरानी है, और आप देखिए इसमें ये जो है, ये पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क पत्रिका में आया हुआ है, कनेक्शन काटने के 6 महीने बाद भी भेज रहे हैं बिल। उसके अलावा एक कनेक्शन कटा बिल देखकर चौंके। उसके बाद में पावर फैक्टर की राशि नहीं कर रहे कम, हर माह 3 गुना बिल, 3 माह से अंधेरे में। आप देखिए किस तरह से MPP काम करेंगे। ज़्यादातर कंज्यूमर ऐसे बिल्स को लेकर के परेशान हैं जितनी बिजली उन्होंने कंज्यूम नहीं की, लेकिन MPP के कर्मचारी जो एम्प्लॉयज हैं जो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से कितने लोग परेशान हैं, इस बारे में गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके बाद में मैं आपको एक और बता रहा हूँ, किसान ने बिजली बिल से परेशान होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या की। आप देखिए इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी किसी ने सोचा था कि MPEB की वजह से कोई किसान या बाकी किसी इंसान को आत्महत्या करना पड़ेगी। पहले 24,000 रुपये का दिया बिल, शिकायत की तो कर दिया 2900 रुपये का। ऐसे हजारों केस हैं, ऐसे बहुत से तो ऐसे पैसे लेकर के सेटलमेंट कर दिए जाते हैं। ये ऐसे केस हैं जो मेरे जैसे जो लोग आगे बढ़कर के आते हैं और इस तरह की समस्या को लेकर के खुले तौर पर किस बात करते हैं। मैंने भी बहुत सी बार कोशिश करी थी प्रेस में बहुत टाइम पहले भी कि मेरी खबर को भी छपाई जाए, क्योंकि मैंने इतनी सारी कंप्लेंट कर दी थी, अनगिनत कंप्लेंट थी, अनगिनत लिखित कंप्लेंट, ऑनलाइन कंप्लेंट थी, कंप्लेंटों की कोई गिनती नहीं है, इतनी कंप्लेंट मैं कर चुका था। फिर भी बहुत से न्यूज़ प्रेस वालों ने उस समय इंटरेस्ट नहीं लिया था, उनके हिसाब से कंटेंट में दम नहीं था। इस वजह से मैंने जो भी है सोचा कि अपने दम पर ही मुझे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आगे आकर के इस तरह की घटनाओं का खुलासा करना पड़ेगा।
और मेरी सभी वीडियो को आप गौर से देखिए, आपको ये बहुत इससे मदद मिलेगी। जो प्रॉब्लम भी मैं फेस कर रहा हूँ, हो सकता है आज नहीं कल या एक महीने दो महीने बाद आप में से किसी को आ सकती है, तो इस प्रॉब्लम के लिए आप अभी से तैयार रहिए। अभी से आप अपने रीडिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए कि मीटर में बिजली के बिल में किस तरह से रीडिंग में हेरफेर हो रही है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप खुद अपने बिजली के बिल से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी रीडिंग सही तरीके से मीटर रीडर ले रहा है या नहीं, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। और अगर फिर भी आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, तो मेरी ईमेल आईडी आपको जो स्क्रीन पर दिखेगी, इस मेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरे स्तर पर जितना हो सकता है, जितना मेरे जो नॉलेज अभी इन 4 से 5 महीनों के अंदर जो गेन किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जितना हो सकेगा मेरी तरफ से मैं आपको मदद करूँगा, और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा किस तरह से आपको आगे का काम करना है। जो मैंने इतना लंबा समय लगा मुझे, उतना लंबा समय आपको नहीं लगेगा। मैं सीधे ही आपको बताऊंगा कि किस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब तक मैंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और इंदौर MPPA के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई है, उससे अगर किसी का भी फ़ायदा हुआ हो, आपके दोस्त का, आपका या आपके किसी पड़ोसी का, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को आगे और फॉरवर्ड कीजिएगा। अभी और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है या इस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अपनी मेहनत से कमाई हुई जो पूंजी है उसको इस तरह से जाया ना।